जहां 21 जून को सब जगह योग दिवस मनाया जा रहा था, तो वहीं करनाल के सीएम सिटी में भी योग दिवस पूरे जोश के साथ मनाया गया। वहीं योग में करनाल के सांसद संजय भाटिया भी पहुंचे। करनाल सांसद संजय भाटिया ने कहा कि योग स्वास्थ्य जीवन जीने की एक पद्धति है। आज की भौतिक भाग दौड़ को देखते हुए योग का अभ्यास अति आवश्यक है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख शरीर का स्वस्थ होना है, जिसकी प्राप्ति योग से होती है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। इस बात के महत्व को समझते हुए हरियाणा राज्य में सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना, पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेद योग एवं प्रकृति चिकित्सा संस्थान की स्थापना, गांव देवरखाना जिला झज्जर में पोस्ट ग्रेजुएट योग एवं प्रकृति चिकित्सा एवं रिसर्च संस्थान की स्थापना भारत सरकार के सहयोग से की जा रही है। इतना ही नहीं, योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के 6500 गाँवों में व्यायाम शालाएं खोले जाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अब तक 1002 व्यायाम शालाएं स्थापित की जा चुकी हैं। सांसद संजय भाटिया शुक्रवार को 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्थानीय नई अनाज मंडी में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं दी और कामना की कि योग आपके जीवन का अभिन्न अंग बने तथा स्वस्थ व खुशहाल रहे। पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं सबको बधाई देता हूं और प्रभु से कामना करता हूं कि सब योग को अपनाएं और अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखें। आज योग ने पूरे विश्व को जोड़ने का काम किया है। आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यूएनओ में जिस तरह से प्रस्ताव आया योग को लेकर, उसे पूरे दुनिया ने एक मत से स्वीकारा और सबने इसको अपनाया। आज कोई भी देश ऐसा नहीं जहां आज के दिन योग को लेकर कोई ना कोई कार्यक्रम ना होता। आज करनाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद के नाते यहां के स्थानीय प्रशासन माननीय उपायुक्त महोदय ने आज मुझे यहां आने का जो मौका दिया, मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूं और आज के दिन के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक भाईचारे के साथ अपने क्षेत्र का और अपने देश का विकास करें। नहीं, ऐसा मेरे ध्यान में भी नहीं है। मैं आपके मुख से पहली बार सुन रहा हूँ। मैं क्रिकेट के मैच थोड़ा कम ही देखता हूँ, देख नहीं पाता समय के उसमें। तो मेरी शुभकामनाएं भारतीय टीम के साथ। भारत हर क्षेत्र में अगर नहीं होगा, पूरे विश्व के पटल पर जिस प्रकार से सदियों वर्ष पूर्व ऋषि मुनियों की इस धरती को एक गुरु के रूप में इस भूमि को देखा जाता था, उसी हिसाब से भारत पुनः उसी दिशा। बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति, जन जन को स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित किया जाता है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से इस योगा की पद्धति को आगे बढ़ाते हुए हर शहर में, हर गांव में योगशालाएं, व्यायाम शालाएं खोली है, ये एक स्वास्थ्य के प्रति एक प्रतीक है। और मैं मानती हूँ कि भारत के किसी तरह प्रतियों को अपनाते हुए भारत विश्वगुरु के उस श्रृंखला में पहुँच जाएगा जहाँ हम पहुँचाना चाहते हैं।